हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम संस्कृत ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग दो द्वितीय पाठ कारक केसेस जिन्हें बोलते हैं कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या होते हैं, कारक कितने होते हैं, कौन सा कारक क्या होता है, उसकी विभक्ति या उसका चिन्ह क्या होता है, इनके बारे में हम जानते हैं आज। चलिए कारक के बारे में जानते हैं। कारक क्या है बच्चों? कारक है वाक्यों में प्रयुक्त जो जिस वाक्य में जो शब्द जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संबंध और संबोधन जो कारक होते हैं ना, वो उनका क्रिया के साथ नित्य संबंध नहीं होता है, तो उसी कारण उन्हें वैसे कारक नहीं माना गया है। जिन प्रत्ययों या चिन्हों को चिन्हों से संबंध प्रकट किया जाता है उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें संस्कृत में विभक्ति या चिन्ह कहते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं, हम संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो आप समझेंगे आज कि कारक की विभक्ति क्या होती है। जैसे कि आप ये देखिए, निम्नलिखित विभक्ति युक्त कारक देखने हैं आपको। सबसे पहले देखिए विभक्ति कौन सी है। प्रथमा विभक्ति में कारक कौन सा है? कर्ता, कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? नेम या कुछ भी नहीं होता, छुपा हुआ होता है उसमें। हम सब्जेक्ट जो है वो कर्ता जो है वो छुपा हुआ होता है सब्जेक्ट, या फिर उसका चिन्ह होता है नेम। दूसरा है द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक उसका चिन्ह होता है को। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कौन से कारक को कैसे प्रयोग किया जाता है। अभी आप ये समझिए, प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने, द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक जिसका विभक्ति है को या कुछ भी नहीं, तृतीय विभक्ति है करण कारक जिसका अर्थ होता है से या के द्वारा फ्रॉम। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान, इसका चिन्ह होता है इसका के लिए या को। और पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक, इसमें से अलग होने पर कोई चीज किसी कोई वस्तु किसी चीज से जब अलग होती है उस से का इसमें चिन्ह निशान होता है। षष्ठी विभक्ति में संबंध यानी कि भाव, उसमें संबंध क्या होता है जैसे का के की ना ने नी रा रे री किसी का संबंध, जैसे उसका चाचा उसकी बुआ उसकी पड़ोसन उसका उससे, तो ये संबंध जो है का के की या रा रे री ना ने नी ये चिन्ह इसके होते हैं संबंध के। सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में या इसका चिन्ह होता है पर यानी कि इन या ऑन, इसका चिन्ह क्या होता है में या पर। संबोधन में क्या होता है, हम किसी को संबोधित करते हैं जैसे अरे हो भो, ऐसे हम किसी को जब इंडिकेट करते हैं संबोधन देते हैं किसी चीज के लिए, अरे सुनना ओ क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं ना जब, तो ये संबोधन होता है। आइए अब इन कारकों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि ये कारक हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। अब हम इन कारकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बच्चों जानते हैं कर्ता कारक के बारे में। यह है नॉमिनेटिव केस होता है कर्ता कारक, इसमें क्या होता है इसको अब सुनिए, क्रियायाम यह स्वतंत्र भवति सह कर्ता, यानी कि किसी कार्य को करने में जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है आजाद होता है वो क्या होता है करता है। कुछ भी काम को करने के लिए जो पूरी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक, किसी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहले मैंने आपको बताया था कि कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है प्रथमा, इसी प्रकार मैं आपको यहां बता रही हूं कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह क्या होता है ने है, जो कि कभी कभी क्या होता है छिपा हुआ भी रहता है। जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया कि राम ने खाना खाया, तो राम
जो है करता है कि राम ने आपको दिख रहा है कि ने चिन्ह दिया है तो आप सोच सकते हो ने चिन्ह है तो राम ने, तो राम करता है कि किसने खाना खाया, हमने प्रश्न बनाया किसने, राम ने, तो उत्तर निकल कर आया राम ने, तो राम क्या हो गया, राम करता हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीता फल खाती है, सीता फल खाती है तो सीता ने फल खाया ऐसा तो नहीं था, लेकिन सीता क्योंकि छुपा हुआ है सीता ने फल खाया, अंडरस्टूड है ये कि सीता ने ही फल खाया, या सीता फल खाती है, सीता के द्वारा फल खाया जाता है, तो सीता क्या है, करता है। अब यहाँ इसके कुछ उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे बालकः नमति, बालक क्या करता है, नमस्कार करता है। छात्रा हसती, छात्रा क्या कर रही है, हंस रही है। पत्राणि पतंती, पत्ते क्या कर रहे हैं, गिरते हैं, पत्ते गिर रहे हैं। कर्म कारक के बारे में जानते हैं बच्चों, जो है एक्यूसेटिव केस होता है कर्म कारक, इसके बारे में जानते हैं। कर्तुरी सप्तमम कर्म कर्ता स्वक्रियया यम अर्थाम अतिशयेन प्राप्तुम इच्छति तत्कर्म भवति, यानी कि कर्ता का ऐच्छिक कर्म करना, कर्ता का इच्छा के अनुसार कर्म करना, अपनी इच्छा द्वारा जिस अर्थ को, अपनी इच्छा के द्वारा जिस अर्थ को बहुत चाहकर, बहुत चाहकर या मुख्य रूप से वो पाना चाहता है वो क्या कहलाता है, वो कर्म होता है। फिर से समझिए एक बार, कर्ता का ऐच्छिक रूप से क्या करना है, कर्म करना, यानी कि अपनी क्रिया के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा जिस अर्थ को वो बहुत चाहकर या मुख्य रूप से पाना चाहता है वो क्या होता है, वो कर्म होता है। इसमें कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसका चिन्ह क्या होता है, को। जैसे जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ इसके अलावा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्म क्या है, राम ने किसको, प्रश्न हम निकालेंगे किसको, प्रभाव किस पर पड़ रहा है कि राम ने किसको मारा, रावण को, तो रावण जो है वो क्या हो गया, कर्म है, क्योंकि उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, इच्छा कर्ता का जो है ऐच्छिक कार्य जो है वो रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ इसका जो चिन्ह होता है वो क्या बताया मैंने, को बताया। अब आप इसके उदाहरण देखिए, छात्रः पुस्तकं पठति, ये एक मात्र उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे बच्चों जो आपको समझने होंगे, अपने मन से समझने होंगे कि कर्ता का ऐच्छिक कर्म करना ये क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक, एक तो को छुपा हुआ है, पुस्तक पढ़ता है, अब हम निकालेंगे छात्र क्या पढ़ता है, पुस्तक, पुस्तक को, अपने मन से आ रहा है हमें कि पुस्तक को पढ़ता है छात्र, तो कर्म क्या है, पुस्तक है। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। कृषकः क्षेत्रं कर्षति, किसान खेत जोतता है, किसको जोतता है, खेत को, कर क्षेत्रम। मैत्रेयी लेखम लिखती, मैत्रेयी क्या करती है, एक लेख लिखती है, मैत्रेयी लेख लिखती है, तो क्या लेख क्या है, वो कर्म है। अब हम समझते हैं बच्चों करण कारक, जो कि है इंस्ट्रूमेंटल केस, ठीक है, करण कारक जिसे अब हम समझते हैं। साधक तमम करणम क्रिया सिद्धायैत अतिशयेन सहायकम भवति तत्करणम भवति, यानी कि किसी साधन के द्वारा काम करना, किसी चीज के द्वारा, कोई भी साधन हो, से हम किसी साधन के द्वारा हम कोई काम करते हैं, क्रिया को पूर्ण करने में जो मुख्य रूप से सहायक होता है, जो किसी काम को करने में मुख्य रूप से सहायता करता है हमारी, वो क्या होता है, करण कारक होता है। और करण कारक में बच्चों तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है से, या के द्वारा, किसी साधन के द्वारा जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्या होता है, वो से जो है वो करण कारक होता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे बालकः कमलेन लिखति, बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से क्या काम हो रहा है, किसी साधन के द्वारा, क्या साधन है वो, कलम, कलम से लिखता है, किससे लिखता है भाई वो, कलम से लिखता है, तो कलम क्या है, करण कारक है, से किसी साधन के द्वारा काम किया जाता है, और कलम में तृतीय विभक्ति लगेगी, तो कलम से यानी कि कलमेन, कलम के तृतीय विभक्ति में आएगा कलमेन, तो बालकः कलमेन लिखति। यहाँ है सह जलेन मुक्षम
मुखम प्रक्षालयति, यानी कि वो पानी से मुंह धोता है। प्रक्षालयति धोता है, किससे मुंह धोता है, साधन क्या है उसका, पानी से। तो तृतीय विभक्ति किस में लगी, जल में, जल में तृतीय विभक्ति लगी, जलेन, जल से मुंह धोता है। अब यहां है अश्वापादई धावंती, घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, पैरों से। तो पैरों से क्या है, करण कारक, और विभक्ति हमारी पाद में लगी, पादई, अश्वापादई धावंती। तो हमने करण कारक के बारे में जाना, अब हम आते हैं संप्रदान कारक के बारे में, जो कि है डेटिव केस। इसमें कर्मणाम यम विप्रति संप्रदानम कर्ता दान क्रिया यम यम संबुद्धम इच्छति तत् संप्रदानम भवति। यानी कि कर्म के द्वारा किसी काम के द्वारा किसी अभीष्ट वस्तु, जिसे अभीष्ट वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु दी जाती है, किसी काम के द्वारा किसी को कोई ऐसी वस्तु दी जाती है, वो क्या है, वो संप्रदान है। अर्थात जैसे कर्ता जिसे युक्त करना चाहता है, यानी कि सब्जेक्ट जिसे युक्त करना चाहता है, वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में बच्चों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसका चिन्ह क्या है, के लिए, किसी चीज के लिए। क्या बताया यहाँ पर कि दान क्रिया, यानी कि कोई चीज दी जाती है के लिए, उसके लिए कोई चीज दी जा रही है, तो वहां क्या होता, संप्रदान कारक होता है। उसके कुछ उदाहरण देखिए, अम्बा पुत्राय भोजनम पचती, माँ पुत्र के लिए, किसके लिए, पुत्र के लिए, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगी, पुत्राय भोजन बनाती है, पकाती है भोजन, किसके लिए पकाती है, पुत्र के लिए। कि कर्ता जो काम करवा रहा है वो किसी अभीष्ट वस्तु के लिए करवा रहा है, किसके लिए, पुत्र के लिए, तो यहाँ क्या हो गया, पुत्र के लिए, के लिए से तो आपको वैसे ही पता लग रहा है, पुत्र के लिए, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी और ये संप्रदान कारक है। जैसे अध्यापिका छात्राय परितोषिकम यच्छति, अध्यापिका छात्र को, अब आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ को आ रहा है, लेकिन वो छात्र को नहीं, छात्र के लिए क्या कर रही है, पुरस्कार देती है, इनाम देती है। तो यहाँ पर छात्र जो है, छात्राय जो है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है, संप्रदान कारक होगा, यहाँ पर छात्राय संप्रदान कारक होगा। अब है अपादान कारक, यानी कि एब्लेटिव केस। इसमें क्या है, ध्रुवम पाये अपादानम, अपाये यत ध्रुवम तत अपादानम भवति। यानी कि निश्चित ही अलग होने में, किसी चीज के अलग होने में क्या होता है, अपादान कारक होता है, यानी कि पृथक होने में, कोई चीज किसी वस्तु से अलग हो रही है, तो जो उसके होने में जो निश्चित कारक है वो अपादान कारक है। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जिसका चिन्ह क्या है, से एक तो होता है, से करण कारक में से होता है, जिसमें फ्रॉम होता है उससे, यहां पर कोई चीज किसी से अलग हो रही है उससे के लिए, यहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, और इसका चिन्ह से है, अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, अलग बताया जा रहा है उनको, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां अपादान कारक होगा, क्योंकि पत्ते अलगाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जैसे कि पथिक ग्रामात आगच्छति, जो पथिक है, राहगीर है, यात्री है, वो क्या है, गांव से आ रहा है, वो अलग हो रहा है, गांव से आ रहा है, निकल रहा है गांव से, तो गांव से दूर हो रहा है ना, तो अलग होने के योग में क्या होगा, यहां पर अपादान कारक होगा। और इस प्रकार बच्चों, अब है ये संबंध भाव षष्ठी विभक्ति, इसके बारे पॉजिटिव सिक्स इन्फ्लेक्शन है ये, इसमें इसके बारे में समझते हैं। वैसे बच्चों कारक संस्कृत में छह होते हैं, ये जो संबंध कारक है षष्ठी विभक्ति को, इसको कारक माना नहीं जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्देन सह संबंधम प्रकटयितुम षष्ठी स्यात्, यानी कि संज्ञा शब्द के भाव के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। इसके चिन्ह कौन किस से हैं, का की के। अब इसमें देखिए, जैसे उदाहरण, अजय शिवस्य पूजाम करोति, अजय शिव की पूजा करता है, संबंध बता रहा है कि अजय किसकी, शिव की पूजा कर रहा है, तो यहाँ पर
ये षष्ठी विभक्ति होगी, संबंध भाव है। और सह रामस्य भ्राता अस्ति, वह राम का भाई है, तो उसका संबंध किससे है, भाई है किसका, राम का, संबंध बता रहा है एक दूसरे का, तो वो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हो जाएगा। अब है अधिकरण कारक, यानी कि लोकेटिव केस, इसमें क्या है, आधारो अधिकरणम, कर्तृ कर्मनिष्ठ क्रियाया आधारभूतम यत वर्तते तत् अधिकरणम इति। क्या हुआ इसका अर्थ, किसी का आकार यानी कि शेप, किसी का भी आकार क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। कर्ता, कर्मनिष्ठा और क्रिया का जो आधार होता है, कर्ता का, कर्तव्य निष्ठा का और क्रिया का जो आधार होता है वो क्या है, अधिकरण कारक है। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और जिसका चिन्ह क्या है, मे या पर होता है, इन या ऑन। जैसे कि उदाहरण देखिए, वृक्षे खगा तिष्ठन्ति, पेड़ पर पक्षी बैठते हैं, पर पेड़ पर, पेड़ों पर, है ना, वृक्ष पर, यानी कि इन या ऑन बताया मैंने आपको, तो वृक्ष पर चिड़िया बैठती है, तो पर यहाँ क्या हो गया, अधिकरण कारक है। मम विद्यालय छात्रा संति, मेरे स्कूल में लड़कियां हैं, में, मेरे स्कूल में, है ना, तो में, मेरे स्कूल में मतलब अंदर, मेरे स्कूल के अंदर, में क्या हो गया यहाँ, यहाँ पर ये अधिकरण कारक हो गया है। अब है यहाँ बच्चों संबोधन, संबोधनम वोकेटिव, है ना, इसमें क्या है, यदा वयम कमपि संबोधयामः, यदा वयम कमपि संबोधयामः तु संबोधनस्य प्रयोगः भवति, यानी कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, उसको आवाज लगाते हैं, संबोधन देते हैं किसी का भी, तो वहां संबोधन का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हे बाले भोजनम पच, हे बाले यानी कि हे बाला भोजन खा या भोजन बना, है ना, तो अब अरे छात्र यहां गच, अरे छात्र, हमने संबोधन दिया छात्र को, अरे छात्र यहां आओ, इधर आओ, हमने कहा भो राम गच, हे राम जाओ, तो हमने ये जो संबोधन दिए हैं ये क्या है, संबोधन कारक है। और उस प्रकार मैंने आपको बताया कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं षष्टमी को, और इसको कारक नहीं माना जाता है क्योंकि ये संबंध प्रकट करते हैं, वैसे वो 6 ही कारक माने गए हैं। अब बच्चों कारक में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं, है ना। अब देखती है, नमति नमस्कार करता है, हसती हंसती है, पतंती गिरते हैं, पठती पढ़ता है, क्षेत्रम खेत, कृषक किसान, लिखती लिखता है, हस्ताभ्याम हाथों से, पादई पैरों से, पचती पकाना, पारितोषिकम पुरस्कार, पत्राणि पत्ते, पथिक यात्री, भ्राता भाई। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य है वो करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैं आपको बताया कि आप ये हिंदी में भी कर सकते हैं, आप, मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, आप हिंदी में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। कति कारिका कारकासन, मैंने अभी आपको बताया कितने कारक होते हैं संस्कृत में, षष्ठ कारका आसन, क्योंकि संबंध जिनसे होता है षष्ठी विभक्ति और संबोधन, उसको हम कारक नहीं मानते हैं। कह नमति, कौन नमस्कार करता है, अभी आपने पाठ में देखा बालक नमति। कृषक किम करोति, कृषक क्षेत्रम कर्षति, खेत जोतता है ना किसान। अश्वा कति धावंती, अश्वा कैसे दौड़ते हैं, अश्वा पादई पादई धावंती, पैरों से दौड़ते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तरों को किया। अब पाठ में आई हुई हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सह रामस्य, वह राम का क्या है, भ्राता अस्ति,
वह राम का भाई है ना। डैश ग्रामात आगच्छति, कौन? पथिकः। पथिकः ग्रामात आगच्छति। मैत्रेयी लेखम लिखति, मैत्रेयी लेख लिख रही है ना। बालक है कमलेन लिखति, बालक यह कलमेन लिखति। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जैसे कि पुत्राय भोजनम पचति, यहाँ विकल्प दिए हुए हैं तीन। पुत्राय कौन, पुत्र के लिए कौन भोजन बना रहा है? अम्बा या भगनी या कि शिक्षिका। कौन बना रहा है? अम्बा माँ, है ना। दूसरा है वृक्षात पतंती, क्या वृक्ष से क्या गिर रहे हैं? फलम या पत्राणी या पुष्पम। फल से, वृक्ष से क्या गिर रहे हैं? पत्राणी। वृक्षे तिष्ठन्ति शुकः या कि कपोतः या खग। वृक्ष से क्या गिर रहे हैं? वृक्ष पर कौन बैठे हुए हैं? कौन बैठे हुए हैं? खगाः। वृक्ष पर खगा पक्षी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार हमने ये एक्सरसाइज करी बच्चों। अब हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है, ये जो कुछ संस्कृत में शब्द दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, इनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे छात्रः पुस्तकम पठति, क्या है ये? छात्र पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापिका छात्राय पारितोषकम यच्छति, अध्यापिका छात्रों के लिए, छात्रों को इनाम देती है। नेक्स्ट है फिर सह रामस्य भ्राता अस्ति, वह राम का भाई है। नेक्स्ट है फिर हे बाले भोजनम पच, हे बालक, हे भोजन पका, है ना। अब हमारा आ गया एक्टिविटी कार्य, रचनात्मक कार्य। इसमें आपको क्या करना है? चार कोई से भी कारक, कारक जो मैंने अभी आपको बताया, कोई से भी चार कारकों को लेकर उनका एक एक वाक्य केवल आपको बनाकर और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ये आपको होमवर्क में एक्टिविटी है आपकी, जो आप होमवर्क में करेंगे और अपने टीचर को दिखाइए, अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए कि कोई से भी चार कारक, जैसे आपको बताए मैंने आठ हैं, छः मेन कारक होते हैं, उनमें से कोई भी आप चार कारक लीजिए और बनाकर अपने टीचर को दिखाइए। टीचर को भी लगेगा अरे आपको कुछ समझ में आया है। अभी आपने बच्चों कारक के बारे में जाना। अब हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।